देश में मातृ मृत्यु दर को रोकना हमेशा से चुनौती रही है। अब केंद्र सरकार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के माध्यम से मातृ मृत्यु दर के लक्षणों का पता लगाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को प्रशिक्षण देगी। देखिए इस रिपोर्ट में। गंभीर बीमारी से होने वाली मौत में सबसे बड़ा आंकड़ा मातृ मृत्यु दर का है। केंद्र सरकार की संस्था रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पिछले कई वर्षों से इसे रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है। अब संस्था ने मातृ मृत्यु के लक्षणों को जानने का प्रयास किया है। इसके लिए अब जिला स्तर पर प्रगणक तैयार किए जा रहे हैं। दरअसल इंदौर में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन AIIMS भोपाल द्वारा PTE का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए भोपाल से विशेष टीम आई थी। टीम ने मौत के प्रमुख लक्षणों को कैसे पहचाना जाए इसका प्रशिक्षण दिया। शासन ने एक और दायित्व आपको सौंपने का निर्णय लिया है, जिसमें मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाणीकरण भी होना है। हालांकि जिसकी भी मृत्यु होती है उसका पूरा चिकित्सीय प्रमाणन का फॉर्म 3 और 4 भरा जाता है डॉक्टरों के द्वारा, जो भी परिचर्या करने वाले डॉक्टर उनके द्वारा भरा जाता है और उसकी रिपोर्ट होती है, लेकिन वो 100% उनका अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए एक सैंपल के आधार पर जानना चाहते हैं कि आखिर किन कारणों से किसी क्षेत्र विशेष में डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है। प्रशिक्षण देने आए डॉक्टर संदीप कुमार के अनुसार यह प्रगणक मौत के लक्षणों की जानकारी देंगे। इसके आधार पर सरकार प्रभावित क्षेत्र में इलाज के अलावा अन्य सुविधाएं मुहैया कराएगी। ये लोग अपने अपने गाँव में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या जो दूसरे एडल्ट्स होते हैं या बच्चे होते हैं उनकी मौतें होती हैं, उन मौतों की जानकारी देते हैं और रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिसर पहले सुपरवाइजर्स आके ट्रेनिंग करते थे। तो पहले जो सुपरवाइजर्स जो करते थे वो उसमें से एक काम है मातृ मृत्यु वाला, उसकी ट्रेनिंग इनके थ्रू अब कराई जानी है, ऐसा सरकार का निर्देश है। तो ये लोग अपने अपने ट्रेनिंग लेने के बाद अपने अपने गाँव में जा कर के जो मातृ मृत्यु जो होती हैं उनके कारण खुद से ढूंढ पता करने की कोशिश करेंगे। तो ये उसके लक्षण जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग के हिसाब से लक्षण पता करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे और इनको जो फॉर्म्स होते हैं उनको आगे भेजेंगे ताकि जो मृत्यु के कारण है वो डॉक्टर्स पता करते हैं। इसका उद्देश्य मुख्य ये है कि जो मातृ मृत्यु है एक सरकार की एक मुख्य ऑब्जेक्टिव में से एक है, तो उसको कम किया जाए। इसकी कोशिशों में इम्पॉर्टेंट है कि कारण क्या थे वो पता करें ताकि उचित जिलों में उचित संसाधन जा सकें, मुख्य रूप से उसी के बारे में। वहीं डॉक्टर संदीप कुमार ने कहा कि मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जाना जरूरी है, लेकिन हम मौखिक पोस्टमार्टम के जरिए लक्षणों को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, नॉर्मली जब भी डेथ होती है तो पोस्टमार्टम होना चाहिए। पोस्टमार्टम करने के लिए जिनके परिवार में डेथ हुई है उनको तैयार होना चाहिए। लीगली हम किसी को जबरदस्ती पोस्टमार्टम तो कर नहीं सकते, वो सिर्फ MLC केसेस में होता है। तो सामान्य जब मृत्यु होती है तो वहाँ पोस्टमार्टम नहीं हो पाता, तो धार्मिक कारणों से लोग जो है दाह संस्कार कर देते हैं। कारण मृत्यु का पता करने के लिए शरीर चाहिए। अब शरीर तो चला गया तो उसके बाद लक्षणों के द्वारा आधार पे डॉक्टर्स जानकारी ले करके और मृत्यु का कारण पता लगा सकते हैं। इतनी नॉलेज डॉक्टर को होती है, लेकिन डॉक्टर तो पोस्टमार्टम किए बिना इसको हम लोगों ने नाम दिया है मौखिक पोस्टमार्टम, वर्बल ऑटोप्सी। मौखिक रूप से लक्षणों के आधार पे ही मृत्यु के कारण पता करें और इंटरनेशनली जो नोन कोड्स हैं उस कोड के हिसाब से वो एक कोडिफाई करें। कुल मिलाकर सरकार का यह प्रयास कितना कारगर होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि सरकार इससे पहले भी कई अन्य प्रयोग कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।